एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर में से आई बड़ी खबर सामने। वीकेंड के वार के दौरान हुआ टीना दत्ता का एलिमिनेशन, लेकिन टीना के जाते ही शालीन ने बदला अपना गेम। शालीन ने मांगी सुंबुल से माफी। क्या कुछ हुआ है, चलिए हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में टेली टॉकीज की। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर वीकेंड के वार के दौरान टीना दत्ता का एलिमिनेशन होता है। टीना शो से आउट हो जाती हैं। टीना जाते जाते सुंबुल से माफ़ी मांगती हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि टीना के जाने के बाद अब शालीन ने भी सुंबुल से माफ़ी मांगी। जी हाँ, टीना के जाने के बाद शालीन को भी अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ कि जो कुछ भी उसने सुंबुल के साथ किया वो गलत था। ऐसे में खबरों की माने तो शालीन ने सलमान के सामने सुंबुल को सॉरी बोला और बोला, जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए आई एम सॉरी। तुम इस घर के अंदर मेरी एक ऐसी दोस्त हो जिसने सच में मुझे समझा, मेरी केयर करी, लेकिन मैंने तुम्हारी केयर, तुम्हारी परवाह बिल्कुल भी नहीं की और टीना की वजह से मैंने तुम्हारे साथ अपनी दोस्ती को ख़राब कर लिया, अपनी इक्वेशन को ख़राब कर लिया और इसीलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। बेशक तुमने टीना को माफ़ करा हो नहीं करा हो, मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मेरी गलती का रियलाइजेशन हो चुका है, इसलिए आई एम सॉरी सुंबुल, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। वेल दोस्तों, सुंबुल ने तो शालीन को माफ़ कर दिया, लेकिन एक बात यहाँ पर देखने वाली होगी, क्या सुंबुल फिर से शालीन पे भरोसा कर सकती है? क्या इस बार पक्की बात है कि शालीन सुंबुल को धोखा नहीं देगा? शालीन सुंबुल के इमोशंस का मजाक नहीं उड़ाएगा? क्या लगता है आपको, हमें कमेंट्स में आप जरूर लिख कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।